आपके शहर की खबरों को आप तक पहुंचाने, मैं हूं शिल्पी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चुनाव का बिगुल थम चुका है, परिणाम आए, अरसा गुजर गया। मोदी सत्ता में रहकर देश को एक नई राह पर ले जा रहे हैं, लेकिन कन्नौज में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी हार के गम से उबर नहीं पाई है। हो सकता है कि अखिलेश यादव को डिंपल यादव की हार अभी तक सता रही हो, इसलिए ये दर्द कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में भूत बनकर अब छाया हुआ है। द पंचौरा न्यूज ये बात ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा, बल्कि इसकी ठोस वजह है। पहले इस पूरे वीडियो को आप देखिए, फिर आगे की बात। नेता ऐसे ही नहीं बदल बन जाते हैं। हमने थोड़ा अपना संक्षिप्त आप लोगों के बीच में भी ब्यौरा रखने का काम किया। संस्थापक सदस्य अरविंद सिंह यादव समाजवादी पार्टी के, जिस दिन नेताजी ने 92 में लखनऊ बेगम हजरत महल पार्क में रखी थी, उस दिन अरविंद सिंह यादव ने उसी में ईंट को रखने का काम अरविंद सिंह ने। कुछ लोग जरूर है के बीच में तीन तिक्रम करके जिनके पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे, आज वे करोड़ों और जो अरबों के मालिक बने बैठे हैं, वो अलग बात है। कन्नौज में अपना बूथ नहीं जीता पाते हैं, कन्नौज में अपना बूथ नहीं जीत पाते हैं, चाहे वो बूथ पार्लियामेंट का हो, चाहे वो बूथ विधानसभा का हो, चाहे बूथ वो ग्राम सभा प्रधान का हो, चाहे वो बूथ जिला पंचायत का हो, वो नेता अपना बूथ नहीं जीता पाते हैं। और फोटो खिंचाने के लिए कहीं आपको सौरिक में दिखाई पड़ जाएंगे, कहीं आपको तिरवा में दिखाई पड़ जाएंगे, कभी आपको गुरसागंज में दिखाई पड़ जाएंगे, कभी आपको शिवरामो में दिखाई पड़ जाएंगे। उन नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है, वो ब्लैक लिस्ट में नेता डाल दिए गए हैं। हम आपको बता रहे हैं, वो जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे नेता ब्लैक लिस्ट में समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के ये कारकुन एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मौका जन्मदिन का है, लेकिन आपस में ही ताल ठोकी जा रही है। एक तरफ एक गुट जो तस्वीर भर खिंचाता है खामोशी के साथ अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाता है, और दूसरी तरफ पूर्व विधायक छिबरामऊ खुलेआम जंग अपनी पार्टी में छेड़ रहे हैं। अब अखिलेश यादव के ये भक्त क्या संदेश दे रहे हैं? दरअसल कमोवेश ये हालत समाजवादी पार्टी की पूरी यूवी में है। परिवार बिखरा हुआ है, पार्टी में कलह और प्रदेश पर सत्ता का ख्वाब, कितना सच और कितना फसाना। कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने इसका विश्लेषण अपने ही अंदाज में किया। निश्चित रूप से जिस प्रकार से वीडियो में जो बात कही गई है, तो वो उस बात से स्पष्ट होता है कि किस कदर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में कन्नौज में भ्रष्टाचार हावी रहा। नहीं तो बकौल पूर्व विधायक के, जो लोग चप्पल भी जिनके पास में नहीं थी, पैर में पहनने को जूते नहीं थे, वो करोड़ों की संपत्ति आखिर कहाँ से हासिल कर लिए। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि पिछली समाजवादी सरकार में कन्नौज के भीतर जबरदस्त लूट समाजवादियों के द्वारा की गई है। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने तो समाजवादी उसी दिन से देख रहे हैं जिस दिन से वो सत्ता से बेदखल हुए हैं, और उसके बाद भी उन्होंने 2019 के लोकसभा के लिए भी मुंगेरी लाल के सपने देखे। उसी सपने के तहत सपा बसपा का गठबंधन हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता सब कुछ देखती है और जनता सब कुछ समझती है। जनता ने बड़े नज़दीक से समाजवादियों के कार्यकाल को देखा है, और यही कारण रहा कि गरीबों की योजनाओं के साथ भी बंदरबांट हुई। आज राशन कोटा जिस प्रकार से हर घर तक पहुँच रहा है, आज गरीब का राशन हर घर तक पहुँच रहा है, गरीब की योजना हर घर तक पहुँच रही है, चाहे वह गरीब को शौचालय दिलाने की बात हो, चाहे गरीब के कॉलोनी बनाने की बात हो, चाहे गरीब को राशन देने की बात हो, और निश्चित रूप से गरीब की सारी योजनाएं गरीब के घर तक जा रही हैं। लेकिन ये पिछली सरकार में क्या स्थिति थी, गरीब के राशन तक को ही लूट लिया जाता था, गरीब को राशन तक मिलता नहीं था। तो इससे स्पष्ट होता है कि गरीबों की योजनाओं को लूटकर जिन लोगों ने अकूत संपदा हासिल की है, वो ये बात मैं नहीं कह रहा, आज उनके ही लोग इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन डिंपल यादव की हार को जमाना गुजर चुका है। हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में गाली गलौज भी हुई थी, लेकिन बात क्या इतनी सीधी है? ये लड़ाई कार्यकर्ताओं में क्यों है, इसका जवाब भी सुब्रत पाठक ने दिलचस्प अंदाज में दिया। देखो, निश्चित रूप से आपने पुराने समय पर कहानी सुनी होगी, अली बाबा 40 चोर, तो जिस प्रकार से वो 40 चोरों ने जाकर और वो खजाने को लूटा था, उसके बाद में वो आपस में ही उस बंदर बांट को लेकर लड़ाई हुई थी। तो निश्चित रूप से तो इतिहास है कि जहाँ के ऊपर भी बेईमानी है, लूट है, भ्रष्टाचार है, वहाँ के ऊपर में वहाँ पर आपस में लड़ाई तय है,
तो निश्चित रूप से आज यह चाहे वह समाजवादी सैफई परिवार हो, सैफई परिवार में भी वही लूट को लेकर झगड़ा पड़ा हुआ है, आज उसी प्रकार से इनके हर जगह के ऊपर, और आज जो कन्नौज में जो बात स्पष्ट आई है, निश्चित रूप से यह भी जो लूट को लेकर ही इस प्रकार की लड़ाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा को कई मोर्चों पर असफलता का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन अब अखिलेश यादव को ये सोचना पड़ेगा कि नेता पुत्र होने और नेता होने में फर्क होता है। चांदी की तस्तरी में सजाकर मिला मुख्यमंत्री का ताज और मेहनत करके कमाए हुए एक दाने में बहुत फर्क होता है, ये समझने के लिए उन्हें पूरे प्रदेश को ही नहीं बल्कि कन्नौज को ही समझना होगा। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके आप अपने सुझाव हमको जरूर बताएं ताकि हम आपके सुझावों पर अमल कर सकें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। खबर दो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सपा नेता नवाब सिंह यादव ने सपा नेता राजीव चौहान, अवनीश यादव, सनी यादव, मकरंद यादव, सुरजीत यादव के साथ जन संदेश साइकिल यात्रा निकाली। सपा नेता समाजवादी संदेश पत्र लेकर रवाना हुए। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी लोग संदेश पत्र के माध्यम से भाजपा सरकार की नीतियों को उजागर कर समाजवादी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार झूठे वादे कर रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछली समाजवादी सरकार के दौरान जनहित में चलाई गई योजनाओं को बंद कर गरीबों को लूट रही है। भाजपा सरकार जनता को इस महामारी के संकट में पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि करके महंगाई का जो तोहफा दे रही है उससे आम जनमानस की कमर टूट गई है। कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं वो प्रपत्रों के द्वारा हम लोग छपे हुए हैं, लोगों को वितरित कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर सत्ता में आई, किस तरीके से किसानों नौजवानों के साथ छलावा किया है और महंगाई चरम सीमा पर है। अवसर देखकर ये आपदा में इन्होंने अवसर तलाशा और महंगाई, पेट्रोल, तमाम चीज़ों के बेतासा दाम बढ़ा दिए हैं। नौजवान परेशान है, नरेगा का ढोल पीट रहे। पहले नरेगा मनरेगा का यही लोग विरोध करते थे। तिरवा से द पंजौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। एक दर्दनाक हादसा आज कन्नौज के महादेवी घाट पर उस वक्त हुआ जब हरदोई का एक परिवार अपने परिजन की अस्थियों को विसर्जित करने गए थे। अस्थियां विसर्जित करने आए एक ही परिवार के 5 सदस्य गंगा नदी में उस वक्त डूब गए जब वो गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे। डूबने वाले 5 युवकों में से 3 को स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर बचा लिया, लेकिन एक युवक की मौत डूबने से हो गई। हालांकि एक युवक लापता बताया जा रहा है जिसके तलाश में लगातार गोताखोर जुटे हुए थे। अंतिम सूचना मिलने तक उस युवक का पता नहीं चल पाया है। पुलिस लगातार मौके पर मौजूद है। यहाँ पे हम उस पर बैठे थे और लास्ट जले के 5 आदमी तो हम दौड़ के आए, 3 आदमी मतलब पकड़ लिए हमने, 2 आदमी दिखाने नहीं, बाद में एक लाश प्राप्त हुई, एक का नाम पता है। मतलब 5 लोग डूबे थे, 5 लोग डूबे थे, 3 पकड़ लिए और एक लाश मिली है और एक नाम अभी पता नहीं चल पा रहा। कितने बजे घटना ये अभी आधा घंटा हुआ है। द पंचौरा न्यूज के लिए मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के समधन कस्बा के किदवई नगर मोहल्ले में 2 दिन पूर्व बच्चों में विवाद हुआ था जिसमें समझौता हो गया था। गुरुवार की सुबह अरशद पुत्र तौफीक, तौफीक पुत्र शकूर, मुशीर पुत्र अनीश व अकील पुत्र अनीश के ऊपर चाकू, छुरी व लाठी डंडे से हमला बोल दिया जिसमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उनको कानपुर रेफर कर दिया गया। घायल मुशीर ने बताया कि गांव निवासी इलियास व इदरीश पुत्रगण अब्दुल हमीद, शादाब पुत्र जहीर व कुदूस पुत्र सगीर ने उनके घर में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की जानकारी उसने 112 पुलिस को दी। जानकारी पर पहुंचे 112 पुलिस ने एम्बुलेंस से उनको राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। यहाँ 2 की हालत गंभीर होने पर उनको कानपुर रेफर कर दिया गया। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। आज
आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कन्नौज की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर जरूर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।